Hello and welcome everyone on my channel. I hope you are doing great in your life. And thank you for this 1.3k subscribers. I feel really very overwhelmed जब मैं उठती और देखती हूँ कि अच्छा अभी और मेरे subscribers बढ़ गए. अच्छा wow. क्योंकि honestly आप लोग यदि मुझे इतने time से follow कर रहे हो, मैंने एक भी अपने subscriber को नहीं बोला है कि welcome to my channel, please like, subscribe और ये वाला चीज़. मतलब obviously कुछ videos में मैंने ज़रूर subscribe करने को बोला है, but मैं शायद वो यूट्यूबर होंगी जो अपने किसी भी व्हाट्सएप में अपने लिंक का शेयर नहीं शेयर करती है कि हाँ भाई आओ मुझे सब्सक्राइब करो. ना ही मैं लोगों को जाके बोलती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करो. ठीक है, मैं कभी भी किसी को नहीं बोलती हूँ कि मेरा कोई चैनल है और आप आके सब्सक्राइब करो. मैं अपना वीडियो बनाती हूँ मस्त चिल वे में, और फिर या फिर मैं अपना वीडियोस कभी बोर होती हूँ तो मैं खुद सुनती रहती हूँ. ठीक है, सो मुझे जब भी ऐसे सब्सक्राइबर्स आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी. किसी के भी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो तो भाई किसी को क्यों नहीं अच्छा लगेगा. ठीक है, तो थैंक यू गाइस. आज सुबह सुबह उठने के साथ ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और अभी मैं लिटरली लेजिट उठ के वीडियो ये शूट कर रही हूँ. आई रियली हैव नॉट लेफ्ट इवन माई बेड, एंड I saw that 1.3k we already have touched, and मेरे को अच्छा लग रहा था. इसके साथ साथ मुझे कुछ बहुत important share करना था वीडियो के लिए, but today my day is very busy, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आज पूरे दिन में मैं free हो पाऊँगी कि to get ready and make a video or this that, but this thing I wanted to share. ठीक है, क्योंकि on my family, on my YouTube, I have literally shared my entire life, the ups, the downs, not everything but most of them. कि मेरा career journey क्या है, क्या examination मैं दी हूँ, मेरा you know क्या मतलब educational journey कैसा रहा, बहुत सारी चीज़ें इस YouTube पे है मेरे. ठीक है, so now I would be sharing about this very interesting journey. okay, so in the year 2021 I completed my law, राइट. और उस टाइम में, उस ईयर में आई हैड लॉस्ट माई नानी, राइट. आई यू मस्ट बी अवेयर, यदि आपने मेरे वीडियोज फॉलो करे हैं तो May 21 में आई हैड लॉस्ट माई नानी, एंड इन August 21 माई लॉ वॉज कम्प्लीट. सो मुझे हमेशा से ड्रीम था कि टू डू माई मास्टर्स इन लॉ एंड देन माई PhD. सो माई प्लान वॉज वेरी पिक्चर परफेक्ट कि मेरा लॉ के बाद आई डू माई मास्टर्स, बट दिस टाइम वी हैड अ फैमिली क्राइसिस. एक फैमिली सिचुएशन अराइज हुआ था, इट वॉज वेरी इमोशनल फॉर आर फैमिली. सो मैं एक रिफ्लेक्स में थी टू सपोर्ट माई पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई थॉट कि प्रॉबली आई शुड लीव माई मास्टर्स प्लान फॉर दिस ईयर, एंड लेटर ऑन होगा तो आई डू इट, बट आई डू इट वो तो था. सो आई केम होम, बट फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की ब्लेसिंग थी कि मेरा प्लान उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया. मैं 21 में ही अपना मास्टर्स करने, जहाँ से मुझे करना था, आई डिड माई मास्टर्स. सो मैं तो ऑलरेडी गिव अप कर चुकी थी कि भाई रहने दो, आई विल कम होम, शायद एक साल दो साल के बाद करेंगे मास्टर्स. और आई केम बैक एंड आई वॉज सैड ऑब्वियसली, बट ठीक है कि एक फैमिली क्राइसिस आता है तो यू हैव टू बी देयर विथ योर फैमिली एंड सपोर्ट, एंड दैट्स वाई वॉट एज अ फैमिली, मतलब हमें यही करना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को हार्ड टाइम्स में सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, सो आई नो दिस इज वॉट आई शुड बी डूइंग एज अ फैमिली, एंड आई केम. मुझे एक दिल के किसी कॉर्नर में, एक तो ठीक है मुझे बुरा लग रहा था कि हाँ मुझे करना था, बट देन द ग्रेटर थिंग इज ऑलवेज देयर, यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट इन योर हेड. उसको भी हम लोग सोचते हैं एंड हम उसको थोड़ा बहुत ब्रश कर देते हैं, बट कहते हैं ना ये कहते हैं जाकू राखे साइया मार सके ना कोई. और मेरे केस में मैं ये चीज़ ब्रैग भी करूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ. जहाँ जहाँ मैं गिव अप भी करने का लाइफ में सोचती हूँ, मैं कर भी देती हूँ वहाँ से भी. मतलब मुझे जो चीज़ चाहिए होता है ना लाइफ में, ये चीज़ मतलब आई फील वेरी ब्लेस्ड, मुझे वो चीज़ मिलके रहता है. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस.
मेरा प्लान बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। ओब्वियसली मेरा जो मास्टर्स का एडमिशन था बहुत लेट में मैंने करा, बट उसी ईयर में मेरा हो गया था। एंड ओब्वियसली आई हैड टू गो बैक एंड माई फैमिली वेरी हैप्पीली दे ओनली सेंड मी टू डू माई मास्टर्स। बट इस दौरान 21 में जो टाइम था, लाइक 3-4 महीने जब मैं घर पे थी टू बी देयर फॉर माई फैमिली टू सपोर्ट देम एंड ऑल ऑफ दैट, उस टाइम मुझे ये था कि यार मैं खाली तो नहीं बैठ सकती हूँ, ये मेरे अंदर है, मैं खाली बिल्कुल नहीं बैठ सकती हूँ। इन द सेंस कि मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है लाइफ में, ठीक है, यदि कुछ प्रोडक्टिव नहीं करूँगी तो मेरा वो दिन मैं सैड होते चली जाऊंगी, आई विल कीप ऑन स्लीपिंग या फिर आई विल नॉट फील लाइक टॉकिंग और इंटरैक्टिंग विथ एनी बडी। मुझे लाइफ में प्रोडक्टिव होना होता है, वो मेरा एक बेसिक ह्यूमन नीड है, ठीक है। तो मैं घर पे बैठ के सोच रही थी कि क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ झारखंड में उतने अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं नहीं मास्टर्स के लिए। एक दो है, एक NLU रांची है, बट वो मास्टर्स उस टाइम में क्रिमिनल लॉजिस्ट स्पेशलाइजेशन में मुझे चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल था और क्रिमिनल था। उस टाइम मेरे दो स्पेशलाइजेशन में मैं कंफ्यूज थी कि ये दोनों में से ही करना है, बट इसी दोनों में से करना है। तो NLU रांची है झारखंड में, वो ऑफर नहीं करता था उस टाइम में, ठीक है। उसके बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, क्योंकि जितना 3-4 यूनिवर्सिटी जिसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया था उसी में मैं जा सकती हूँ। अब कहीं पे भी तो नहीं जा सके मैं पढ़ने लग जाऊंगी ना, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड दूसरा एक ऑप्शन था, बट वहाँ का स्पेशलाइजेशन था ट्राइबल लॉ वगैरह। अब मैंने उस चीज़ पे अब कभी सोचा नहीं था कि मुझे मास्टर्स करना था, तो वो तो चलो नो ही था। एंड देन वॉज वन यूनिवर्सिटी कॉल उषा मार्टिन कॉलेज वॉज देर और यूनिवर्सिटी वॉज देर, आई डोंट नो, रांची में है वो। तो वहाँ कभी पता करा, वहाँ बिजनेस लॉ वगैरह में स्पेशलाइजेशन थे, मतलब इन क्रैक्स जो स्पेशलाइजेशन मुझे चाहिए था वो था नहीं। तो कोई पॉइंट नहीं है कि आप अपना मास्टर्स कर लो और आप बस ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो मुझे जो करना था वो यहाँ मिल नहीं रहा था, एंड आई वॉज एक तरीके से मैंने वो गिव अप कर दिया था कि भाई चलो नहीं करना। अब बाद में मैंने जो मास्टर्स, नाउ तो आई एम परसुइंग माई PhD, तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा मास्टर्स काफ़ी पहले हो गया, सो वो अलग चीज़ है, उसकी वीडियोज भी अलग से मैंने बना रखी है, दैट इज वेरी डिफरेंट। बट नाउ वन थिंग आई वॉन्ट टू से इज, उस ड्यूरेशन में 3 मंथ 4 मंथ में मेरे लिए ये था कि यार खाली तो मैं नहीं बैठ सकती हूँ, दिस इज नॉट मी, खाली तो मैं नहीं बैठूंगी, तो कुछ ऐसा करते हैं कि मेरा मन लगा रहे, क्योंकि मुझे वो डाइवर्ट होना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली मुझे पढ़ाई से ज़्यादा, मुझे टाइम पास यदि करना है तो मैं कोई अच्छा कोर्स चूज़ कर लूँगी, कुछ अच्छा सब्जेक्ट चूज़ कर लूँगी, मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइम पास कुछ और लगता ही नहीं है, राइट। तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड इन इंग्लिश एंड माई मतलब मॉम सैड मी सजेस्टेड, बिकॉज होता ना कि आप एक दो वीक के बाद फ्रस्ट्रेट थोड़े होने लग जाते हो, थोड़े सैड होने लग जाते हो, एंड पेरेंट्स डू नोटिस अबाउट थिंग्स। एंड शी सेड कि अच्छा मास्टर्स तो यहाँ पे तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है, वाई डोंट यू जस्ट लाइक डू समथिंग एल्स, लाइक नो नो ठीक है चिल है, आई विल डू माई मास्टर्स लेटर। बट देन नोटिफिकेशन हम स्टूडेंट्स लोगों के, मतलब कि आपके आई डोंट नो, बट मेरे फोन के हमेशा नोटिफिकेशंस में जॉब वैकेंसीज या फिर क्या कहते हैं, क्या नया कोर्सेस है, कौन से कॉलेज के नोटिफिकेशंस कब आए हैं, वो सब आते रहते हैं, वो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, मतलब आते ही रहते हैं। तो उस टाइम में इग्नू का फॉर्म्स चल रहा था एंड आई रिसर्च अबाउट इट, आई वाज लाइक नहीं यार इग्नू से नहीं मैं करूंगी, क्योंकि देखो इग्नू खराब नहीं है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी, बट मेरी स्कूलिंग रेगुलर हुई है एंड दैट टू फ्रॉम अ वेरी टॉप कैथोलिक क्रिश्चियन मिशनरी। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेज से हुआ है, ठीक है। तो मेरा ये था कि यार मैं ओपन यूनिवर्सिटी से, एक डाइसी सा था मुझे, उतना मुझे इग्नू के बारे में आइडिया भी नहीं था, प्लस मेरे थॉट ओपन स्कूलिंग के लिए उतना कुछ पॉजिटिव था नहीं, कि क्योंकि मैं रेगुलर कॉलेज गई हूँ हमेशा, स्कूल में भी लाइक इट वाज अ वेरी, माय स्कूल वाज वेरी गुड, तो हम लोग रेगुलरली क्लासेस किए हैं, कोर्सेस लेक्चर्स वगैरह होते थे, ठीक है। एक एग्जाम में पास करके डिग्री हासिल करना वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कॉलेज कभी नहीं जाओगे और फिर आप फेल कर जाओगे, ऐसा नहीं है। कॉलेज
कॉलेज बिना गए भी आप एग्जाम में पास कर सकते हो, बट जो बच्चा रोज स्कूल जाता है या जाती है और या फिर कॉलेज जाता है जाती है, वहां का जो लर्निंग करता है और सिर्फ आप बस एग्जाम दे के और पास कर जाओ, बड़ा डिफरेंस होता है। तो वो मेरे दिमाग में है कि भाई नहीं, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, देखते हैं देखने में क्या जाता है ना। हम लोग वैसे भी कुछ भी चीज का पता करने में तो कुछ नहीं जाता, मेरे में ये चीज है कि जो चीज मुझे नहीं चाहिए होता मैं उसका पता भी नहीं करना चाहती हूँ। बट ये चीज मुझे, चाहे मैं शॉपिंग भी करती हूँ वहां पे भी लोग मुझे बोलते हैं नहीं मैम आप थोड़ा देख तो लीजिए, मैं बोलती नहीं मुझे जब लेना ही नहीं है तो मैं क्यों देखूँ, राइट। तो ये चीज मेरा कोर्स के लिए भी था कि भाई मुझे जब ओपन के लिए मेरा दिमाग में ऐसा जिक्स्ट आइडिया है तो फिर मैं क्यों देखूं ही क्यों इनके नोटिफिकेशन। बट दैट टाइम शादा वॉज वेरी फ्री एंड आई डिडंट वॉन्टेड टू बी दैट फ्री, मुझे ऑक्यूपाइड रहना था। तो मैंने देखा कि क्या है, ठीक है, मैंने देखा चलो ठीक है। और इसके बाद फिर एज यूजुअल किसी और इंसान की तरह मैंने भी यूट्यूब वगैरह में देखा कि इग्नू के रिव्यू क्या है, गूगल किया कि इग्नू के रिव्यूज क्या है, लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब थॉट है इग्नू से किसी ने किया है, फिर जो लोग ऑलरेडी पास आउट है उनके रिव्यूज क्या है, ठीक है। और मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, आई सॉ इट वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद फिर आई सॉ द कोर्सेस, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्सेस सब थे, ठीक है। और इग्नू की जो कोर्स फीस है वो बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि मेरा जैसे मैं दिल्ली में जब रहती थी मेरा पीजी का 1 month का फी रेंट वगैरह ही ऑलमोस्ट 15,000 होता था, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे पर्सनली वो फीस बहुत कम लगा, अराउंड पूरे 1 semester 1 year का, मतलब उनका 2 semester ईयर वाइज होता है। तो फर्स्ट ईयर का फीस ऑलमोस्ट उस टाइम में 9,000 था, अभी कम हो गया, अभी 7,000 समथिंग था, 9,000 समथिंग था। तो मुझे वो बड़ा रीजनेबल लगा कि अरे कुछ ज़्यादा है नहीं, और यदि मुझे घर पे ही रहना तो ठीक है, इट्स जस्ट 10,000। तो आई थॉट कि वेस्ट भी यदि मैं करूँगी, वैसे भी मैं अपने लाइफ में इतने पैसे लगा रखी हूँ इतने साल से, मैं ऑलमोस्ट 7 years 8 years आई वॉज, मतलब वो तो बाद में, हाँ उस टाइम तक ऑलमोस्ट 5 years आई वॉज इन दिल्ली। तो ऑलरेडी ऑन माई रेंट इटसेल्फ आई हैव लाइक अपने भी इतने पैसे लगा रखी हूँ और भी लाइफ में अभी भी, तो भाई ये 10,000 कुछ है नहीं, सो वो तो लगा ही सकते हैं। और क्या होता है, वेस्ट तो होगा नहीं, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होता है। और इंटरेस्टिंगली मैंने पता कर लिया था कि वो लोग बुक्स वगैरह भी आपको भेजते हैं। तो मुझे लगा कि आजकल, क्योंकि मैं हूँ लॉयर, मैं हूँ उस टाइम तो खैर मैं थी लॉ स्टूडेंट, फिर भी हमारे लॉ बुक्स ही बड़े एक्सपेंसिव आते हैं, और वैसे भी मैं बुक की शौकीन, हमारे एक एक बुक 1200-1500 के आते हैं। तो मैं दिमाग में ऐसे सोच ली कि ऐसे 9,000 समथिंग का, 10,000 एग्जैक्टली था नहीं, 9,500 के समथिंग था, मैं समझ लूँगी मैंने अपने कुछ 9 books ही खरीद लिए, या फिर मैं शॉपिंग ही करती हूँ तो कुछ नहीं है भाई, ऐसे समझ लो तूने अपने 2 dress खरीद लिए, ठीक है। यदि मज़ा नहीं आएगा तो, क्योंकि ये मेरे में है कि यदि मैं कुछ कोर्स ज्वाइन करूँगी उसको कंप्लीट तो करूँगी, तो मैं मतलब दोनों अपना प्रो कॉन सोच रही थी। एंड देन आई थॉट कोई बात नहीं, बुक तो आएगा एंड एटलीस्ट आई रीड इट, आई सी हाउ इट इज़, और कुछ मेरा मतलब इससे घाटा तो नहीं हो रहा है, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, अच्छा ये कुछ समझ जाऊँगी, एक होता तो एक नया डिग्री भी आ जाएगा, एंड कुछ नुकसान है नहीं। वैसे भी ये 10,000 तो भाई हम लोग ऐसे ही खर्च करते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा है नहीं, वो भी साल भर का आपका फीस 10,000 से कम है, ऑलमोस्ट 9,000, तो कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए या फिर ओ माय गॉड क्या, तो कुछ था नहीं ऐसा। तो आई थॉट कि चलो एक रिस्क वाला भी फैक्टर नहीं था, चलो कर लिया जाए। एक रिस्क होता है कि आपने बहुत मतलब 30-40 lakhs लगा रखे हैं, फिर लगता है ओ माय गॉड इतने पैसे लगा रखे, तो मेरे लिए था कि चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा रिस्क वाले भी फैक्ट नहीं है, चलो कर लेते हैं। सो आई गॉट इनरोल्ड एंड 21 में इनरोल था, बट उसी टाइम 21 में मैंने अपना मास्टर्स का भी मेरा इनरोलमेंट हो गया था। सो आई टुक एडमिशन इन आमिटी और फिर मैं वहाँ पे चली गई। तो मेरे घर पे फिर जब मैं आमिटी में ऑलरेडी पढ़ रही थी, तो मेरे घर में मेरी मम्मी का कॉल आया था कि वीडियो कॉल आया था कि तुम्हारे कुरियर आए हैं बुक्स के, इतने सारे मेरे बुक्स आए थे इग्नू के, एंड शी वॉज लाइक विल यू डू इट, आई लाइक हाँ कर लेते हैं। बट फिर मेरा मास्टर्स LLM का सिर्फ 1 year का था, एंड आई हैड टू फोकस ऑन माई डिजर्टेशन एंड ऑल ऑफ दैट,
तो फिर माय मॉम सर के डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ योर मास्टर्स इन इंग्लिश एंड मास्टर्स इन लॉ, अभी तुम लॉ का जो, क्योंकि मास्टर्स इन इंग्लिश तो कभी पिक्चर में था ही नहीं, वो तो ऐसे तुमने दे दिया, तो उसको तुम उतना ज्यादा फोकस मत करो, तुम अपना मास्टर्स इन लॉ वो तुम हमेशा सोची हो वो तुम करो, राइट right? एंड मैं बोली कि यार फिर मैंने तो 10,000 वेस्ट कर दिए, ठीक है, जो भी वो 9,500 जो भी था वो तो मैं वेस्ट कर दी। मैं मॉम लाफ्ड की ये पहला तो है नहीं कि तुमने वेस्ट किया, तुमने तो पहले भी बहुत वेस्ट करे, तो डोंट थिंक अबाउट इट, ऐसे 9-10 हज़ार पढ़ाई लिखाई में ऐसे वेस्ट होते ही रहते हैं, डोंट थिंक सो मच अबाउट इट, ठीक है। आई वाज लाइक चलो ठीक है, तो अच्छा लगा सुन के, रिलीफ फील हुआ, एंड ऑब्वियसली फोकस ऑन योर मास्टर्स, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, तो एवरीथिंग गॉन। तो उसके बाद फिर मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे लगा कि चलो यार ये ठीक है, उसके बारे में फिर मैंने कभी सोचा नहीं, पलट के भी मैंने नहीं सोचा। एंड फिर आई कम्प्लीटेड माई मास्टर्स, आई गेव माई नेट, उस मास्टर्स के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट। फिर अभी रिसेंटली आई टुक एडमिशन इन माई PhD, ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, वेरी गुड। एंड सो क्या होता है, अभी रिसेंटली मेरा एक मैटर था केस का, तो वी वेंट टू रांची, और वहाँ पे मतलब जब हम लोग क्रॉस कर रहे थे, मतलब जहाँ मुझे जाना था वहीं इग्नू ऑफिस, आई गॉट टू नो, बाहर से पता चल रहा था कि चलो ये इग्नू ऑफिस है, तो व्हेन आई सॉ, आई थॉट कि चलो यार जब मैं आई हूँ रांची एक बार इग्नू ऑफिस में पता करते हैं, बस ऐसे मज़े में मैं ऑफिस गई पता करने के लिए, ठीक है। मुझे कोई होप नहीं था क्योंकि मैंने इस बारे में कोई रिसर्च भी नहीं करा था, तो मैं गई वहाँ ऑफिस में, मैंने उनसे पूछा कि थे वहाँ लोग सारे, काफ़ी सारे थे, तो उनके रजिस्ट्रेशन रूम या एडमिशन रूम, आई एम नॉट रियली एबल टू रिकॉल, वहाँ मैं गई, मैं उनको बताई कि ऐसा है सर कि मैं 2021 में मास्टर्स ऑफ MEG होता है मास्टर्स इन इंग्लिश, उसमें मैं रजिस्टर करी थी, बट अभी 24 हो गए हैं और मैंने उसको, मतलब वो कोर्स मैंने नहीं, एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी दिया है उसको मैं नहीं पढ़ी हूँ, तो क्या मैं अब एग्ज़ाम दे सकती हूँ या फिर क्या वो कोर्स का अब क्या कर सकते हैं, बस ऐसे बड़ी जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी मेरा, एक जेन्युइन आंसर क्या होता है, मैक्स टू मैक्स बोलते कि नहीं अरे वो 21 का था, बट उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपने 21 को दिया था ना, मैं बोली हाँ, आपको आपका एनरोलमेंट नंबर पता है, मैं बोली कि आप मुझे बस 5 मिनट दो पता करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सबसे मज़ेदार चीज़ है कि मैं अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट, कोई भी फॉर्म भी फिल करूं, कोई एग्ज़ाम, मैंने अपना एक ड्राइव में सबको सेव करके रखती हूं, और यदि व्हाट्सएप भी होता तो व्हाट्सएप में ना मैं अपना एक अलग सा एक ग्रुप ऐसा बनाई हूं जिसमें सिर्फ मैं हूं, लाइक आई विल मेक अ ग्रुप विथ माई सेल्फ एंड माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई विल रिमूव हर एंड देन देयर इज ओनली मी हु इज़ लेफ्ट, और उसमें मैं अपने सारे डॉक्स वगैरह डालती हूं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं उनसे 5 मिनट मांगी एंड ऑब्वियसली वहां पे वो था, सो आई सेंड शेयर्ड माई एनरोलमेंट नंबर टू हिम, और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छे टाइम पे आप आ गए, 2025 तक आपके ये कोर्स वैलिडिटी है, तो अब आप क्या कीजिए, आप सेकेंड ईयर का अपना रजिस्टर कर लीजिए और इस साल आप एग्ज़ाम दे दीजिए। मैं बोली अब उस ईयर का मैं एग्ज़ाम अब दे सकती हूँ, बोले हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, तो क्योंकि आप 25 तक आप कभी भी दे सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, तो मैंने उनसे फिर वही जो कोई भी इंसान पूछता सर अब मुझे वापस से वो उस टाइम मैंने 9,500 समथिंग पे किया था वापस पे करना, तो उन्होंने बोला नहीं आपको ऑलरेडी पेड है ना, मैं बोली हाँ बिल्कुल पेड है, तो वो पेमेंट आपको अब नहीं करने हैं, आपके जो एग्ज़ाम के फीस आते हैं शायद वो शायद 1,000 रुपये या उसके अंदर होंगे जो एग्जामिनेशन फीस होते हैं, बस आप वो फिल कीजिए, आपके जो असाइनमेंट मिलेंगे उसको आप सबमिट कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आई वॉज वेरी हैप्पी, और मुझे ये लगा था कि ये बात मैं बिल्कुल शेयर करूंगी, और आज के दिन जब आई वॉज सो हैप्पी वेकिंग अप विथ 1.3K सब्सक्राइबर, आई थॉट कि ये मैं शेयर आउट यूट्यूब पे भी करूँ, इन केस यदि आप में से कोई लोग इग्नू में पहले कभी दिए हो और आपका कोर्स वैलिडिटी चेक कर लेना, आपका कोर्स वैलिडिटी कब है, तब मैं वहाँ जाके उस ऑफिस में समझ में आया कि कोर्स वैलिडिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मैं तो भाई रेगुलर कॉलेज में पढ़ी हूँ, हमारा जिस ईयर हम एडमिशन लिए हैं उस ईयर, जैसे मास्टर्स में भी व्हेन आई डिड फ्रॉम आर्मिटी जिस ईयर का एडमिशन 21 का एडमिशन था, यदि 22 में मैं मतलब कोर्स ख़त्म नहीं करती तो वो उस ईयर ही एक्सपायर कर जाता, बट इग्नू में ऐसा नहीं था, जो मुझे वहाँ जाके पता चला उसमें ये था कि आपका कोर्स वैलिडिटी दिया हुआ है, तो वो आई थिंक 3-4 साल का देते या 5 साल का, आई डोंट नो, मेरा 25 21 में मैं इनरोल की थी और 25 तक वैलिड है, तो आप अपना यदि इनकेस
कभी एग्जाम नहीं दे पाए हो, देख लेना कि आपकी कोर्स वैलिडिटी क्या है और उस अकॉर्डिंगली आप भी एग्जाम दे सकते हो। दैट्स इट इन माय वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।